हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। जैसे कि आपको पता है, अपनी जो सीरीज चल रही है कि राजस्थान के अंदर जो भी ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं उनके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे हिस्ट्री से, चाहे ज्योग्राफी से, चाहे पॉलिटिकल से, या चाहे कल्चर से है, अपन उन्हीं की सीरीज है। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को ही करवा रहे हैं हम हमारे चैनल पर, और उसी की सीरीज रेगुलर चल रही है। यदि आपने इससे पहले वाली नहीं देखी है तो आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल पर जाकर के ऑलरेडी जो वीडियो हमने अपलोड कर दी है, ऑलरेडी जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ही विद एग्जाम्पल के साथ कि कौन सा जो क्वेश्चन है कौन से एग्जाम के अंदर आया था। ठीक है, तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं हूं सुमेस्ता यादव और आप हमारे साथ जो राजस्थान के अंदर आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। ये जो नहीं है इसको दो बार पढ़ना है ताकि दिमाग में रहे। हाँ जी, कालीबंगा सभ्यता देखिए, कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? कालीबंगा जो सभ्यता है वो अपनी है हनुमानगढ़ में। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से करवा दिया, ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। ठीक है, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे। आहाड़ सभ्यता कहाँ है जी? आहाड़ सभ्यता अपनी है उदयपुर में, और ये उदयपुर में और बेड़च, या फिर बेड़च भी कह देते हैं और उसको आयड़ नदी भी कह देते हैं। ठीक है, आयड़ नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? सीकर। सीकर अगर पुराने जिले के हिसाब से तो सीकर है, और नए जिले बन गए तो कहाँ आ जाएगा? नीम का थाना। नीम का थाना, और कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। ठीक है, कांतली नदी के किनारे है। बैराट सभ्यता कहाँ है? जयपुर में है, और नदी कौन सी है? बाणगंगा। ठीक है, बाणगंगा नदी है, बाणगंगा नदी है। अभी जयपुर पुराने जिले के हिसाब से बैराट है जो जयपुर में है, न्यू नए जिले के हिसाब से ये है कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, कोटपुतली बहरोड में। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो अपना बीएसटीसी का जो प्री एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी जितने में 33 जिले पहले थे ना उन्हीं से संबंधित ही पूछे गए। ऑप्शन में जितने भी नए जिले हैं किसी का भी नाम ही नहीं आया जिस भी क्वेश्चन में जिलों से संबंधित या कोई स्थान विशेष से कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीएसटीसी का अभी जुलाई के अंदर ही एग्जाम हुआ है। ठीक है, अभी हुआ है थोड़े दिन पहले ही, उसके अंदर आप देख लेना कि चाहे जितने भी जिले दिए ऑलरेडी जो पुराने हैं वो ही हैं। तो आप पुराने वालों का भी ध्यान रखें और नए वालों का भी ध्यान रखें। तो नए वाले में ज्यादा कुछ वो नहीं है कि आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा थोड़ा करेक्शन है, आपने उसका ध्यान रखना है। हाँ जी, तो अपना सही आंसर हो जाएगा, ये जो कालीबंगा सभ्यता है ना ये हनुमानगढ़ में है, चूरू में नहीं है। तो सही ऑप्शन भी अपना क्या हो जाए? इसने पूछा था कि नहीं है, तो नहीं है, कालीबंगा चूरू में नहीं है। ठीक है, ये हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। हाँ जी, ये अपना ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। क्या पूछा है कि सही है, सही क्या है ये बताना है अपने को, कि लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। हाँ जी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कालीबंगा के अंदर जो ये दुर्ग मिले हैं ये क्या थी? कालीबंगा थी जो कौन सी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी, यहाँ मात्र सत्तात्मक था, माता का प्रधान था। ठीक है, यहाँ से भूकंप के अवशेष भी मिले हैं, है ना, चिरायु कब्रें मिली हैं, यहाँ से बेलनाकार मोहरे मिली हैं, और यहाँ से छह छिद्र वाली खोपड़ी भी मिली है किसी बच्चे की। ठीक है, हाइड्रोफोबिया नाम से कोई रोग होता था, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, आप ये कह सकते हैं यहाँ से। और इसका जो पतन है कालीबंगा सभ्यता का, ये किसी भूकंप की वजह से हो गया है। ठीक है, तो आहड़, तो ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और ये लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए। हाँ जी, हुए हैं। तो अपना सही ऑप्शन है फर्स्ट और तीसरा। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, तीनों, ये अपना डी ऑप्शन रहेगा सही। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से नहीं है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? देखिए, ये महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वुमेन सुपरवाइजर में। स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन है ना सभ्यताओं से संबंधित है, वो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में आए और घूम फिर के वो ही सारे के सारे हैं। तो आप ये सभ्यताएं हैं, थोड़ा ध्यान से कर ले। बालाथल सभ्यता कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है, ठीक है, उदयपुर में है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे, है ना। ओझियाना सभ्यता कहाँ है? ओझियाना सभ्यता जोधपुर में है, ठीक है, जोधपुर में है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? ये नीम का थाना सीकर में है ना, नीम का थाना में है और कांतली नदी के किनारे है। तो दोहरी रक्षा प्राचीर युक्त कालीबंगा सभ्यता से मिला है, सही आंसर हो जाएगा अपना कालीबंगा सभ्यता। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि ये नगरीय सभ्यता थी, नगर यहाँ ऊपर बसते थे, दो टीलों में था। ये कहना क्या चाह रहा है, यहाँ गांव बसते थे, ठीक है, नीचे वाला जो टीला था वहां गांव बसते थे और यहाँ था नगर, और इसके बाहर एक दोहरी प्राचीर इस तरह से, जो आज आपने बड़े बड़े किले जैसलमेर वाला है, मेहरान दुर्ग है, जो जोधपुर वाला है, उसके बाहर आप जो किलेबंदी देख रहे हो वो इसी तरह का परकोटा जिसे आप कह सकते हो, वो इस कालीबंगा सभ्यता से मिला है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इटालियन भारतीय लुइस टसिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? ये पहले तो ये देखिए, जो ये इटालियन है, ठीक है, ये जो इटली के थे, लुइस टसिटोरी थे, इन्होंने राजस्थानी भाषा को, जो अपनी राजस्थानी भाषा थी उसको दो भागों में बांटा था, ठीक है, दो भागों में इसका वर्गीकरण किया था, पश्चिमी भाषा और पूर्वी भाषा, ठीक है। फिर आगे भी उनका अलग अलग इन्होंने और भाग बांटे हैं, पर मेन इन्होंने दो भागों में बांटा था, इन्होंने वैज्ञानिक इसका वर्गीकरण बताया था। ये थे एल्पी टेस्टिटोरी जो इटली से आए थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है कि राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 के अंदर RSRTC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता है, आहड़ उदयपुर में है, गणेश नीम के थाने में है, बैराट जो है जयपुर में है। यहाँ हमें चार पहाड़ियां मिली है, बैराट से हमें भामरू शिला लेख मिला है, अशोक के टाइम का महात्मा बुद्ध की अस्थियां भी मिली है, यहाँ से कोई सोने का कोई कलश मिला। जब बैराट सभ्यता करवाएंगे तब आपको बताएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? किससे? पूर्व हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा से संबंधित कालीबंगा सभ्यता। पुलिस 2011 में और जेल प्रहरी 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ जी, तो हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता है। तो यहीं से हमें क्या मिले हैं, पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले हैं, ठीक है, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से चूरू, चूरू से उदयपुर में आहड़ और जयपुर में बैराट सभ्यता, ठीक है। तो चूरू में तो कोई सभ्यता नहीं है, उदयपुर में आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, बालाथल सभ्यता भी यही है, बालाथल है, ईसबाल सभ्यता भी यही है, ईसबाल सभ्यता वो भी यही है उदयपुर के अंदर। जयपुर में अपनी बैराट सभ्यता है, बैराट सभ्यता है जो जयपुर के अंदर है, ठीक है। चलिए, सही आंसर हो जाएगा अपना हनुमानगढ़, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। देखिए, सेकंड ग्रेड टीचर है जो उर्दू 2010 के अंदर पूछा गया है, ईओ के अंदर 2008 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ जी, तो ये इन्होंने पूछा है कि प्रकाश में लाना है, प्रकाश में लाने का मतलब है खोज किसने की थी, कहा किसने था कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता है, जैसे कुछ उन्होंने अभी देखिए, खोज करने वाला, प्रकाश में लाने वाला एक ही आदमी होता है, ठीक है, उत्खनन करने वाला, कई कई सभ्यता ऐसी हैं जिनका वो ही खोज कर रहे हैं और वो ही उत्खनन भी कर रहे हैं, ठीक है, परंतु कुछ सभ्यताएं ऐसी हैं जिनके खोजकर्ता अलग हैं और उत्खननकर्ता अलग है। उत्खनन वो करते हैं जो मतलब वहां खुदाई की, कि हाँ जी इन्होंने जो कहा है वो सही है या नहीं, हम यहाँ देखते हैं खुदाई करके कि ऐसी कोई चीज होती थी या नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, बीबी लाल भी देखो कालीबंगा से संबंधित है, बीके थापर है ये भी कालीबंगा से संबंधित है, पर ये कहाँ थे, उत्खननकर्ता में थे, ठीक है, उत्खननकर्ता में थे। MD खर्रे भी कहाँ थे, उत्खननकर्ता में थे, ठीक है, उत्खननकर्ता में थे। इन्होंने क्या पूछा है कि प्रकाश में मतलब खोज किसने की थी, तो अमलानंद घोष ने की थी, कब की थी,
1952 में की थी, ठीक है, 1952 में की थी। और जो ये कालीबंगा सभ्यता है ना, ये स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के अंदर पहला स्थान था, भारत के अंदर भी आप कहो तो ये पहला स्थान था जहां पे स्वतंत्रता के बाद पहली बार यहाँ पे खोज की गई या खुदाई की गई या कालीबंगा सभ्यता को सर्च किया गया। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियों से मतलब है, और पीलीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ में ही है, उसका मतलब है पीली चूड़ियां मिली है। रंग महल सभ्यता है जो गंगानगर में आती थी, परंतु अब जो है अनूपगढ़ में आने लग गई, ठीक है, नया जिला चेंज हो गया तो यहाँ पे अनूपगढ़ में रंग महल सभ्यता आती है। तो ये तीनों की तीनों सभ्यताएं हैं जो हमारे यही है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है, क्या हुई है, ये क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आहड़ उदयपुर से, ठीक है, आहड़ उदयपुर से, और कालीबंगा मिली है अपने को हनुमानगढ़ से, घग्गर नदी के किनारे, यहाँ से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, चिरायु मिले हैं, कब्रें मिली है, ठीक है, यहाँ पे हमें स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक के चिन्ह भी यहीं से मिले हैं, अग्निवेदिकाएं मिली हैं, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया, 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। बालाथल सभ्यता भी कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर में बनास नदी के किनारे। और गणेश्वर सभ्यता है ये कहाँ है, नीम के थाने में, मैं नए जिले के हिसाब से बता रही हूँ, नीम का थाना, और पुराना जिला है सीकर, ठीक है, सीकर काकली नदी के किनारे, ठीक है यहाँ। और गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्बर सभ्यता की जननी कहा जाता है, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, उसको धूलकोट भी कहा जाता है। हाँ जी, तो अपना सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता, सही आंसर रहेगा कालीबंगा सभ्यता। हाँ जी, अपना क्वेश्चन है कि किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया है, तीसरी, अच्छा इसको बताया है तो 2014 के अंदर सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर पूछा गया है, अगर तीसरी बताया है तो पहली कौन सी थी और दूसरी कौन सी थी, ठीक है, पहली कौन सी थी, तो पहली थी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, ये बहुत सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा शहर है, शहर का अवशेष मिला है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, और दूसरी थी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। और अब किसने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है और किसने बताया है, तो ये दशरथ शर्मा ने कहा है, ठीक है, दशरथ शर्मा ने कहा है जी, गौरीशंकर ओझा, श्यामल दास ये नहीं थे, दयाराम साहनी थे, जो ये दयाराम साहनी है ये है अपने विराट सभ्यता से संबंधित, विराट सभ्यता से संबंधित है, ठीक है, विराट सभ्यता से संबंधित है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है, क्या पूछ लिया इस बार इन्होंने, संबंधित नहीं है, खोज से नहीं बोला है, उत्खनन से बोला है कि खुदाई किसने की, सेकंड ग्रेड टीचर 2022 के अंदर एग्जाम पूछा गया है, ठीक है, बीबी लाल थे, बीके थापर थे, एमडी खर्रे थे, या पीजी लाल थे, देखिए बीबी लाल और पीजी लाल में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बीके थापर भी थे, ठीक है, इन्होंने भी इनका उत्खनन किया था, खुदाई की थी, बीबी लाल भी थे, एमडी खर्रे भी थे, और इन्होंने कब की थी, 1962 से 1963 के लगभग इन्होंने इसकी खोज की थी, मतलब उत्खनन किया था, खोज नहीं कहेंगे, खोज तो अमलानंद घोष ने की थी, इसका उत्खनन बोलेंगे। तो ये जो सही आंसर अपना ये हो जाएगा कि पीजी लाल जो थे वो उत्खनन में नहीं थे कालीबंगा सभ्यता में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है, जो पटवार 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से स्थान है जिससे ये पता चलता है कि राजस्थान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, ऑप्शन में देखिए क्या है, ये जो लोथल है ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, हरियाणा में पड़ता है लोथल भी, धोलावीरा भी कहाँ है, ये भी हरियाणा में ही है, ठीक है, ये भी हरियाणा में है, ठीक है, और ये जो मोहनजोदड़ो है वो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है,
और मोहनजोदड़ो है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहरों का अवशेष मिला है, इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो से बहुत सारे मतलब लाशों का ढेर मिला है, इसको इस तरह का लाशों का ढेर भी आप इसको कह सकते हो। तो अपना सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और रंग महल, सारे के सारे हमें कहाँ मिले, हनुमानगढ़ से ही मिले हैं, और सारे के सारे हमें राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से मिले हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स अपने कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, उसी से संबंधित सीरीज है। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू।